तो दोस्तों, क्या आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया? ये क्वेश्चन एक्चुअली CHSL SSC का 2020 में आया था। तो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्रोजन FROZEN इज कोडेड एस 504। तो जो फ्रोजन वर्ड है यहाँ पे सॉल्यूशन FROZEN, इसका कोड क्या है? यहाँ पे दिया गया है 504 कोड दिया गया है। और टॉन्सिल्स इज कोडेड एज 756। टॉन्सिल्स TONSILS, इसका कोड कितना दिया गया है? 756 दिया गया है। तो हाउ विल मराइन बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज? तो मराइन जो है MARINE, इसका कोड क्या होगा लिखा है? अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाता है, जितना अल्फाबेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6 अल्फाबेट है, लेकिन नंबर कितना है? सिर्फ 3 ही है। तो बहुत लोग सोच में पड़ जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि जितना अल्फ़ाबेट और उतना नंबर्स देंगे फिर भी लोग मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं उसका प्लेसमेंट जान के। जैसे F ABC मतलब अल्फ़ाबेटिकली कितना नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है। तो ये अगर ऐसे ऐसे करके तो नंबर जान के वो यहाँ पे निकाल सकते हैं वो, लेकिन यहाँ पे नंबर ही 3 दिया गया है, तो मतलब कैसे होगा? तो इसलिए ऐसे मतलब सोच में पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, इसको भी सॉल्यूशन करने का कुछ ऐसा ही फॉर्मूला है। तो इसको सॉल्यूशन आपको जानने से पहले एक चीज़ आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो क्या है? वो है प्लेसमेंट, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। जी हाँ बिल्कुल, ये अगर प्लेसमेंट आपको पता है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के कर भी सकते हैं। ये वाला प्लेसमेंट ए कौन से जगह में आता है, बी का नंबर क्या है, सी का क्या है, डी का क्या है, तो ये आप लोग अगर याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, तभी आप मतलब फर्स्ट सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो अभी इसका सॉल्यूशन जानते हैं। तो अभी जैसे है फ्रोजन, तो फ्रोजन का देखिए FROZEN, तो ये फ्रोजन है। तो इसका अभी नंबर प्लेसमेंट कितना है? तो F का कितना है? F का 6 है। R का कितना है? R का है 18। O का कितना है? O का है 15। Z का कितना है? Z तो लास्ट नंबर है, तो 26 अल्फाबेट होगा। और E का कितना है? E का है 5। N का कितना है? 14। तो ये आ गया उनका प्लेसमेंट। तो अभी इससे भी पता नहीं चल रहा है, तो क्या होगा इससे? देखिए नंबर बहुत बड़ा है, तो इसको क्या कर देंगे? माइनस करने से नहीं होगा, प्लस ही करना पड़ेगा। तो इसको करिए प्लस सबको। तो जब आप प्लस करेंगे तो कितना नंबर आएगा? इसको प्लस करने से आएगा 84 टोटल, ठीक है। तो अभी आ रहा है इसका प्लस करके 84, तो अभी भी 504 कोड के साथ मैच नहीं हो रहा है। तो अभी क्या करना पड़ेगा? देखिए यहाँ पे कितना अल्फ़ाबेट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अल्फ़ाबेट है। तो 6 को प्लस करेंगे तो मतलब कुछ नहीं होगा, क्योंकि उतना ही आएगा, 90 आएगा, फिर भी 504 नहीं आएगा। तो क्या करना पड़ेगा? इंटू करना पड़ेगा, इंटू 6 करने से आपका आंसर 504 आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं इसका कोड आ गया। तो अभी इसका 504 आ गया, तो चलिए देखते हैं टॉन्सिल्स का आता है कि नहीं। तो टॉन्सिल्स TONSILS, तो इसका कोड क्या है? T का कितना है? 20 है। फिर से प्लस, O का कितना है? 15। N का कितना है? 14। 96 S का कितना है? 19। I का कितना है? 9। फिर लास्ट में क्या है? L है, L का कितना है? 14। और लास्ट में आता है S, उसका है 5। तो इन सब को प्लस करने से क्या आएगा? आपका आएगा 60। तो अभी 60 आ रहा है, कोड कितना है? 756 है। तो क्या करना होगा? कितना अल्फाबेट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इंटू 7 कर दीजिए, आपका आ जाएगा आंसर 7। सॉरी यहाँ पे क्या हो गया? ओ, इसको प्लस करने से आएगा 108। हाँ, 108 इंटू 7 करने से आपका आएगा 756। तो ये आ गया, देखिए ये भी कोड मैच हो गया हम लोग का, और ये भी कोड मैच हो गया। तो अभी क्या करेंगे लास्ट में? अभी मराइन का देखेंगे, जिसका जिससे क्वेश्चन में पूछा है। तो ये है, तो इसका नंबरिंग क्या है अभी ये जानने से हम लोग को पता चल जाएगा। M का है 13, A का है 1, R का है 18, I का है 9, N का है 14, और लास्ट में E का है
फाइव। तो आप देख सकते हैं इन सबको प्लस करने से कितना आएगा, प्लस करके देखिए, इन सबको प्लस करने से आएगा 60। और कितना है, एक दो तीन चार पाँच छः अल्फ़ाबेट है, तो इंटू सिक्स कर दीजिए, आंसर कितना आएगा 360। तो ये आ गया आंसर 360। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं कि नहीं, हाँ ऑप्शन डी में है, देखिए तो आंसर होगा ऑप्शन डी। तो आप देख सकते हैं ऐसे करना है इस क्वेश्चन को, तो आपको बस ये चीज़ जानना ज़रूरी है अल्फ़ाबेटिकली इसका जो प्लेसमेंट है वो कितना है, वो अगर आपको पता होगा तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और एसएससी का क्वेश्चन ऐसा ही होता है, मतलब दिखता है हार्ड लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आ जाता है। तो ये था आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।